गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में, जो कि काफी सारे लोगों का सवाल भी रहता है कि अगर हम लोग बिजनेस करने के लिए कैश में लोन लेना चाहते हैं अपनी जीएसटी की पेमेंट के लिए या इनकम टैक्स के अंदर कोई भी पेमेंट करने के लिए या फिर बिजनेस को करने के लिए, तो उसका क्या लिमिट है, क्या इनकम टैक्स के अंदर कोई प्रोविजन है कि हमें लोन लेने से मना करता है। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये पता लग सके कि जीएसटी के अंदर या इनकम टैक्स के अंदर अगर आपको कैश में लोन लेना है तो इनकम टैक्स का कौन सा प्रोविजन आपको मना करता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है हमारे पास सेक्शन 269SS, जो कि इनकम टैक्स की बात करता है और ये कहता है मोड ऑफ टेकिंग और एक्सेप्टिंग सर्टेन लोन्स डिपॉजिट्स एंड स्पेसिफाइड सम। मतलब यहाँ पे लोन लेने की बात, डिपॉजिट लेने की बात, या फिर इनके अलावा कोई और अगर अमाउंट आप रिसीव करते हैं, जो कि ये सेक्शन आपको मना करता है किसके बाहर और किस मोड में आप ले सकते हैं। नो पर्सन, कोई भी पर्सन नहीं ले सकता, शैल टेक और एक्सेप्ट फ्रॉम एनी अदर पर्सन हियर इन रेफर्ड टू एज द डिपॉजिटर। मतलब कोई भी पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन से नहीं ले सकता, क्या नहीं ले सकता, एनी लोन, किसी भी प्रकार का लोन या डिपॉजिट और एनी स्पेसिफाइड सम। ना तो लोन ले सकता है, ना डिपॉजिट ले सकता है, ना ही स्पेसिफाइड सम ले सकता है। अब ये स्पेसिफाइड सम क्या है? स्पेसिफाइड सम हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में अगर आप कोई एडवांस लेते हैं। सपोज आप एक रियल एस्टेट बिल्डर हैं, आपने कोई बिल्डिंग बना रखी है, आप उस बिल्डिंग को बेचते हैं, तो बेचने से पहले आपने एडवांस लिया कस्टमर से, तो वो एडवांस जो होता है वो आपका स्पेसिफाइड सम है इस सेक्शन के लिए। अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट और थ्रू सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज द केस में बी प्रेस्क्राइब्ड। वो जो आप लोन लेंगे वो होना चाहिए या तो अकाउंट पे चेक से या आपके बैंक ड्राफ्ट से या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप ले सकते हैं। अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश, कैश छोड़ के आप कैसे भी हो ले सकते हैं। यहाँ पे बेयरर चेक ध्यान रखिएगा, कैश की इक्विवेलेंट रखा गया है, इसीलिए बेयरर चेक भी आपको नहीं एक्सेप्ट करना है लोन के लिए। इफ, किस कंडीशंस में, द अमाउंट ऑफ सच लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम और द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम, या तो वो लोन का अमाउंट, डिपॉजिट का अमाउंट या स्पेसिफाइड सम का अमाउंट एग्रीगेट करने के बाद या फिर एक ट्रांजैक्शन में भी, और ऑन द डेट ऑफ टेकिंग और एक्सेप्टिंग सच लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम, एनी लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम टेकन और एक्सेप्टेड अर्लियर बाय सच पर्सन फ्रॉम द डिपॉजिटर इज रिमेनिंग अनपेड, whether payment has fallen due or not, the amount or the aggregate amount remaining unpaid. अगर आपने loan या deposit या aggregate specified sum जो ले रखा है और वो unpaid है। तीसरा condition है, the amount or the aggregate amount referred to in clause A together with the amount or aggregate amount referred to in clause B is 20,000 rupees or more. शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको किसी से भी लोन लेना है या डिपॉजिट लेना है या स्पेसिफाइड सम रिसीव करना है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अलावा, अकाउंट पे चेक के अलावा, बैंक ड्राफ्ट के अलावा, कैश में अगर आप लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 तक का ले सकते हैं। 20,000 से ऊपर का लोन आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो वो होगा 269SS का वायोलेशन। अगर आप 269SS को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर जो पेनल्टी लगाई जाती है, जितना लोन अमाउंट आपने लिया इक्विवेलेंट अमाउंट की पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी, और ये एक मैंडेटरी क्लॉज होता है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, जो कि रिपोर्टिंग की जाती है आपके बिजनेस के ऑडिट रिपोर्ट में, कि 269SS में कितना अमाउंट अकाउंट पे चेक से लिया गया, कितना कैश में लिया गया, कितना बैंक ड्राफ्ट से लिया गया और कितना इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से लिया गया है। तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसकी लिमिट है 20,000 रुपए। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम टेकन और एक्सेप्टेड फ्रॉम और एनी लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम टेकन और एक्सेप्टेड। अगर आप ये लोन किसी और पर्सन से लेते हैं तब तो लागू होगा, लेकिन
इन इन जगहों से अगर आप लोन लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहला है गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट से लोन लेते हैं, अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, किसी पोस्ट ऑफिस से लोन लेते हैं, या फिर किसी कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय अ सेंट्रल और स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट से लोन ले रहे हैं, तो भी आपके ऊपर 269SS का कोई कानून लागू नहीं होगा। आप जितनी मर्जी लोन ले सकते हैं। एनी गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 45, अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी से लोन ले रहे हैं, सच अदर इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन बॉडी ऑफ पर्सन्स और क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशंस एसोसिएशन और बॉडीज विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर और कोई पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या एसोसिएशन अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करती है तो उनसे भी। तो बैंकिंग चैनल्स के द्वारा अगर आप कोई कैश में लोन लेते हैं तो वो भी आपका 269SS के अंदर कवर नहीं होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम वेयर द पर्सन फ्रॉम हुम द लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम इज टेकन और एक्सेप्टेड and the person by whom the loan or deposit or specified sum is taken or accepted are both having agriculture income and neither of them has any income chargeable to tax under this act। अगर आप ऐसे बंदे से लोन लेते हैं जिसका इनकम जो है एग्रीकल्चर से है और उसकी और कोई इनकम नहीं है जो कि वो टैक्सेबल लिमिट में आ जाए, तो उनसे अगर आप लोन लेते हैं तो भी आपके ऊपर 269SS का प्रोविजन नहीं लगता है। यहां पे बताया गया है स्पेसिफाइड सम का मतलब क्या होगा, मींस एनी सम ऑफ मनी रिसीवेबल वेदर एज एडवांस और अदरवाइज इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी वेदर और नॉट द ट्रांसफर टेक्स प्लेस। मतलब अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी बुक करी है और आपने एडवांस लिया है तो वो 20,000 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए अगर आप कैश में लेना चाहते हैं। तो कैश में लेने के लिए 20,000 रुपए की लिमिट रखी गई है बिजनेस लोन के लिए। अब आता है एक और प्रोविजन जो बात करता है रीपेमेंट की, मोड ऑफ रीपेमेंट ऑफ सर्टन लोन और डिपॉजिट्स। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है या फिर आपने कोई लोन पेमेंट करना है तो उसके लिए कितना आप अमाउंट दे सकते हैं। नो ब्रांच ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, यहाँ पर बैंकिंग कंपनी के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि बैंक भी आपको रीपे नहीं कर सकती है, और अ कोऑपरेटिव बैंक एंड नो अदर कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड नो फर्म और अदर पर्सन, किसी के लिए भी अगर आप लोन लेकर के रखे हुए हैं और आप उसको रीपेमेंट करना चाहते हैं, चाहे आप बैंक हो, चाहे आप पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे आप कंपनी हो, चाहे आप किसी भी तरीके के इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप कंपनी कुछ भी हो जाए, आपको रीपे नहीं करना है 269T के वायोलेशन में जाकर के। शैल रीपे एनी लोन और डिपॉजिट मेड विथ इट और एनी स्पेसिफाइड एडवांस रिसीव्ड बाय इट अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट ड्रॉन इन द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज मेड द लोन और डिपॉजिट और पेड द स्पेसिफाइड एडवांस और बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट और थ्रू अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो वो आप उसको रीपे नहीं कर सकते अकाउंट पे चेक के अलावा, ड्राफ्ट के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक मोड के अलावा। इफ द अमाउंट ऑफ द लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड एडवांसेस टुगेदर विद द इंटरेस्ट इफ एनी पेएबल देयर ऑन, लोन के साथ साथ इंटरेस्ट को भी जोड़ लीजिए जो अमाउंट बनेगा वो, या फिर द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द लोन्स और डिपॉजिट्स हेल्ड बाय सच पर्सन विद द ब्रांच ऑफ द बैंकिंग कंपनी और द कोऑपरेटिव बैंक एज द केस मे बी द अदर कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी और फर्म और एनी अदर पर्सन इन हिज ओन नेम और जॉइंटली विद एनी अदर पर्सन ऑन द डेट ऑफ सच रीपेमेंट टूगेदर विद द इंटरेस्ट पेएबल ऑन सच लोन और डिपॉजिट। या तो आपने जॉइंटली लोन लिया हुआ है, आप उसको रीपे करते हैं, तो जिस दिन आप रीपे कर रहे हैं उस दिन टोटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो होगा एग्रीगेट अमाउंट। तीसरा है द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द स्पेसिफाइड सम रिसीव्ड बाय सच पर्सन आइदर इन हिज ओन नेम और जॉइंटली विद एनी अदर पर्सन ऑन द डेट ऑफ सच रीपेमेंट टूगेदर विद इंटरेस्ट इफ एनी पेएबल ऑन सच एडवांसेस is 20,000 rupees or more। 20,000 rupees से ऊपर का लोन हो, डिपॉजिट हो, एडवांसेस हो, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ रीपेमेंट 20,000 रुपए या उससे ऊपर होगा तो वो आप कैश में रीपे नहीं कर पाएंगे। आपको रीपे अगर करना है तो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट जिसमें उस बंदे का नाम लिखा होना चाहिए जिससे आपने लोन लिया है, बेयरर चेक नहीं चलेगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। Provided that where the repayment is by a branch of a banking company or a cooperative bank, such repayment may also be made by
crediting the amount of such loan or deposit into the savings account or the current account with such branch of the person to whom such loan or deposit has to be repaid. Suppose आपके bank account में एक current account है या कोई saving account है और आपने उस bank से कुछ loan लिया हुआ है, bank आपको loan repay करना चाह रही है अगर, तो वो directly आपके current या saving में transfer कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. Provided that nothing contained in this section shall apply to the repayment of loan or deposit for accepted और received from the following persons. Government से अगर आपने लिया है, अगर किसी banking company से लिया है या किसी corporation से लिया है, तो इन सारे चीजों पे आपका 269T का provision लागू नहीं होगा. यहाँ पे जो बताया गया है specified advance, same चीज जो 269SS में बताया गया था कि आपने immovable property के respect में कोई advance लिया है, तो वो आपका specified advances के अंदर, specified sum के अंदर cover होता है. अगर आप 269T का कोई भी violation करते हैं, तो उसके लिए आपको 269T में जितना आपने repay किया है, वो पूरा का पूरा amount penalty के रूप में देना पड़ता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए बिजनेस से रिलेटेड, कि कितना आप लोन ले सकते हैं कैश के अंदर और कितना आप लोन रीपे कर सकते हैं कैश के अंदर. चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं. आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि कैश के अंदर कितना लोन लिया जा सकता है और कितना लोन हम लोग रीपे कर सकते हैं अगर हमने कोई लोन एक्सेप्ट किया है. अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.